यात्रा चलाई जाती है। माता के पवित्र छड़ी जो है जम्मू से रवाना हो रही है और ये बहुत बड़े 3 साल कोविड के सिलसिले में बंद रही थी। उस सिलसिले में यहाँ श्रद्धालुओं का कोई अंत नहीं रहा है और श्रद्धालुओं की आस्था जो है वो हमारे मचेल माता के साथ जुड़ी हुई है और मचेल माता इनकी मनोकामनाएं पूरी करती है। इस यात्रा में जम्मू से ही बढ़ चढ़ कर श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और आज का प्रोग्राम आज हम यहाँ विश्वास की धरती पर हैं। अभिभाषण में बैठे पहुंचे हुए हैं और इसके बाद हम आज का अठोली की तरफ स्नान करेंगे। कल से गुलाबगढ़ हो गया, अठोली ज्वाला जी मंदिर के बाद गुलाबगढ़, परसों 21 को हमारा यात्रा जो है वो पहुंचेगी चसोटी में और 22 को भवन पहुंचेगी और 22 को वहाँ हवन कीर्तन के साथ संपन्न करने के बाद जगराता करने के बाद 23 तारीख 24 को वापसी मचे। आज करीबन 3 साल के बाद किश्तवाड़ के लोगों को छड़ी जो किश्तवाड़ में आई है सौभाग्य दर्शन छड़ी के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। 3 साल से कोरोना महामारी के कारण जो है छड़ी स्थगित हो गई थी, वो आ नहीं रही थी, आ भी रही थी तो किसी प्रोटोकॉल के तहत कुछ चंद लोग ही उसके साथ जा रहे थे। आज खुलकर जो है अपनी श्रद्धा जो लोगों ने सामने लाई, खुलकर श्रद्धा के साथ लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस छड़ी को जो यहाँ से छड़ी पहले तो जो यहाँ के बस स्टैंड से कल रात में 12 बजे श्री गौरीशंकर मंदिर सरगुड में आई सैकड़ों की संख्या में, उसमें भी हर श्रद्धालु जुड़े, हम लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया और बड़ी श्रद्धा के साथ रात को छड़ी का विश्राम जो है वो श्री गौरीशंकर मंदिर में सरगुड़ किया। ठीक उसी प्रकार से आज फिर से गौरीशंकर मंदिर से चार चिनार और चार चिनार से वस्त्र मंदिर के ये श्रद्धा ये छड़ी निकली और श्रद्धालु ने उसमें भी सैकड़ों की हज़ारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने उसमें भी भाग लिया। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमने 3 साल के बाद फिर से छड़ी के दर्शन की छड़ी का आस्वाद। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता है कि काफ़ी देर के बाद दोबारा शुरू किया, पीछे 2-3 सालों से कोविड की वजह से इस बार अभी कंट्रोल में हुआ। इस बार हमारे श्रद्धालु हैं कि पूछो ना, काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे तो इस छड़ी में काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपने इस पूरे सनातन समाज को, अपने इस पूरे हिंदू समाज को आज जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भी हैं। आज जन्माष्टमी भी है तो लोगों ने बड़ा जोर शोर से हिस्सा लिया और हमें उम्मीद है कि आगे भी लोग ऐसे ही इस यात्रा में हिस्सा लेंगे।